तो मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसी टेक्स में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वोडाफोन आइडिया ने एक नया नया व्हाट्सएप नंबर जारी करा है जो कि हेल्प डेस्क के लिए। आपको पता होगा कि अभी लॉकडाउन के चक्कर में वर्कर ऑफिस पहुँच नहीं पा रहे हैं और सर्विस नहीं मिल पा रही है, कॉलिंग को या कस्टमर केयर पर बात नहीं हो पा रही। तो उन्होंने आज अपना नंबर एक व्हाट्सएप चैट जारी करा है जिसके द्वारा आप अपना हेल्प ले पाएंगे व्हाट्सएप से मैसेज करके वोडाफोन और आइडिया के नंबर पर। छोटी सी प्रोसेस है, आपको व्हाट्सएप का नंबर सेव करना है एंड देन वहाँ पर हाई लिख के भेजना है। तो आपको वहाँ से पूरा फीडबैक आएगा, आप वहाँ से बात कर पाएंगे और आपको अपना सोल्यूशन मिल पाएगा जो भी आपको प्रॉब्लम है उस नंबर से रिलेटेड। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आपको पूरी जानकारी दूंगा उसके लिए आपको क्या करना रहेगा। चलते हैं दोस्तों आज वोडाफोन आइडिया ने अपने कस्टमर केयर रिलेटेड के लिए, कस्टमर फीडबैक के लिए या कस्टमर सोल्यूशन के लिए उन्होंने एक व्हाट्सअप की चैट का एक प्लेटफॉर्म जारी कराया जिसके द्वारा कस्टमर अपने कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हो उसके सोल्यूशन ले सकते हैं व्हाट्सअप के द्वारा। आपको पता है अभी लॉकडाउन के चक्कर में, जो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, लॉकडाउन के चक्कर में कस्टमर केयर के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो अपने ऑफिस नहीं पहुँच पा रहे हैं जिससे वो कस्टमर केयर का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। जो आप ये देख सकते हैं न्यूज़, वोडाफोन का ये लॉन्च किया गया है। वोडाफोन इसका नाम रखा गया है VIC, वोडाफोन आइडिया VIC वर्चुअल असिस्टेंट कैन बी एक्सेड। ये 24/7 है, आपका काम करेगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों दो नंबर लिखे हुए हैं, ये जो ऊपर वाला नंबर है 9654297000 वाला, ये वोडाफोन केयर के लिए है एंड अगर आप आइडिया यूज़र हैं तो आइडिया यूज़र के लिए 7652970000। मेरे पास वोडाफोन नंबर है इसलिए मैंने वोडाफोन वाला नंबर को कॉपी करके सेव कर लिया है डायरेक्ट। आपको मैं ये व्हाट्सअप पे, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के वीडियो में भी मिल जाएगा और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ से सेव कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जाके डायरेक्ट नंबर को सेव करना है। मैंने पहले ही नंबर सेव कर लिया है वोडाफोन के नाम से, आप देख सकते हैं। नंबर सेव करने के बाद आपको कुछ नहीं, अपने व्हाट्सएप पे जाना है, अपने व्हाट्सएप पे जाना है आपको। व्हाट्सएप पे जाने के बाद ये चैट में कर चुका हूँ तो सबसे पहले आपको ये दिख गया है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, चाहे आप फर्स्टली हाई लिख के भेज सकते हैं, ये हाई लिख दिया है। जैसे मैं हाई लिखूंगा तो वहाँ से ये रिप्लाई आ गया, आप क्या जानना चाहते हैं, रिचार्ज, पोस्ट पेमेंट बैलेंस, बैलेंस डिटेक्शन, अपडेट बिल या लाइक। मैंने बैलेंस डिटेक्शन पर क्लिक कर दिया तो वहाँ से आ गया है। आपको OTP के लिए OTP देना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रोसेस होगा। जैसे ही मैं एक पे क्लिक करूँगा तो मेरे नंबर पे एक OTP आएगा और मुझे OTP शेयर करना रहेगा। ये नंबर मेरा यहाँ पर शो होने लगा है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ OTP दूंगा, ये OTP आ भी चुका है मेरे पास जो कि आप देखेंगे वोडाफोन केयर की तरफ से आया है। तो दोस्तों अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसके आप देखेंगे। इसमें जाके ये बिजनेस अकाउंट है उसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि व्हाट्सएप की तरफ से लिया गया है। कस्टमर केयर का ईमेल एड्रेस भी दिया है, वेबसाइट भी दी गई है और इसका सॉल्यूशन के लिए 24/7 के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो, अगर आप आइडिया के कस्टमर के हैं तो आप आइडिया का नंबर भी सेव करके उसका यूज़ कर पाएंगे और सेम प्रोसेस में आप आइडिया से भी उसको यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ जिससे आपके आपको आगे बहुत सारी नॉलेज मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।